लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्ला की मौत से पूरी दुनिया में हड़कंप है। ईरान में खौफ का माहौल है तो दुनिया के कई देश चिंतित हैं कि मध्य पूर्व में संघर्ष और बढ़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र में लेबनान की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई है। नसरल्ला की मौत पर दुनिया भर से कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। जहां हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने की कसम खाई, उसने कहा कि हसन नसरल्ला अपने उन महान और अमर शहीदों में शामिल हो गए हैं जिनके रास्ते पर वो लगभग 3 दशक तक चले। हमास ने नसरल्ला की मौत की निंदा की और इसे इसराइल का आतंकी कृत्य बताया। उसने हिजबुल्ला के खिलाफ अपनी एकजुटता को दोहराया। हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला की शहादत पर हमास के उप प्रमुख खलील अल हिया ने एक शोक संदेश में कहा, हम हसन नसरल्ला को श्रद्धांजलि देते हैं जो गाजा मुजाहिदीन का समर्थन और सहयोग करते रहे और उन्होंने इजरायली जानवरों के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय गाजा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। दुख की इस घड़ी में हम हिजबुल्ला और लेबनानी मुसलमानों के साथ हैं। ईश्वर की इच्छा है, इजराइल का पतन निकट है और हम अल कुदूस की आज़ादी तक इजराइल से लड़ेंगे। नसरल्ला के बंकर में गिराए 80 टन के बम। इसराइल एक एक कर विदेशी धरती पर भी अपने दुश्मनों को निशाना बना रहा है। इसराइल ने हिजबुल्ला और हमास के प्रमुखों की हत्या करवाकर दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है। इसराइल ने ऐसे समय पर हवाई हमला किया जब हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला अपने कई नेताओं के साथ बेरूत में एक जगह मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक जिस बंकर में हिजबुल्ला चीफ छिपा था वो रिहायशी इमारत के करीब 60 फीट नीचे था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला के आतंकी इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने का प्लान बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। वहीं इसराइल उन्हें रोकना चाहता था। इसराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर 80 टन के बम गिरा दिए। इतने बड़े बम धमाके से हिजबुल्ला का मुख्यालय नेस्तनाबूद हो गया। हाल ये था कि नसरल्ला के शव की पहचान करना तक मुश्किल हो गया था। रिपोर्ट्स में बताया गया कि उसकी अंगूठी और अन्य सामान से शव की पहचान की गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ हारजी हावेली ने बताया कि हमने नसरल्ला को खत्म करने के लिए एयर स्ट्राइक की थी। बेरूत के केंद्र में हिजबुल्ला का मुख्यालय था। आतंकी संगठन के अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। इस हवाई हमले में हिजबुल्ला के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मिसाइल का जखीरा भी बर्बाद हो गया।